आप देख रहे हैं अपना गूज़बम्स ये जो ब्रांड है इन्होंने चालू किया, हमने वैसे चालू किया है 2012 में अचार बनाने का, मेनली अचार स्पाइसेस जो बहुत ज़्यादा रूटेड प्रोडक्ट है इंडिया के। मैं ये बोलूँगा कि वो कंटेम्प्रेरी नहीं है, आज के दिन के नहीं है फॉर श्योर, लेकिन रिवाइव करना ज़रूरी है क्योंकि अगर शेज़वान चल सकता है बाहर से तो अचार चल सकते हैं, क्योंकि ये 200 साल पुराना 400 साल पुरानी रेसिपीज़ है। तो वो रिवाइव करने के लिए हमने सोचा कि इसे आज के ज़माने में कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। तो सबसे पहला हमारा जो इनिशिएटिव था कि हमने कई सारे अलग अलग फ्रूट को लेके अचार बनाने चालू किए कि पाइनएप्पल का अचार क्यों नहीं बन सकता, जब आम बन सकता है तो आम तो है ही, एंड वी लव मैंगोज, उसमें कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन आम का उसके साथ पाइनएप्पल, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, तो ये सारे अचार अगर आपने देखे होंगे तो वहाँ पिकल टेस्टिंग इवेंट में हमने रखा था। तो जैसे वाइन टेस्टिंग इवेंट होते हैं, जैसे कॉफ़ी टेस्टिंग होता है इतने ज़ोर शोर से, तो पिकल टेस्टिंग क्यों नहीं हो सकता। तो ये रेसिपीज़ को मरना नहीं, मारना नहीं है फॉर श्योर, इट कान गो टू ग्रेव्स। तो वही सिलसिले में हमने सोचा कि एक आर्ट फॉर्म जो है, ये कलिनरी आर्ट फॉर्म जिसे हम कहते हैं अचार बनाने का, स्पाइसेस बनाने का, उसे हम दूसरे आर्ट फॉर्म्स के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। और ये जितने भी आर्ट फॉर्म्स का एग्जिबिट होता है वो अंत में बनाता है ऐसे मोमेंट्स जहाँ गूज़बम्स का एक्सपीरियंस होता है, मेनली एनी आर्ट फॉर्म वुड गिव एन एक्सपीरियंस ऑफ गूज़बम्स। सो ओवरऑल वही आइडिया था कि अलग अलग आर्ट फॉर्म्स को लेकर क्या हम उसे मैरी कर सकते हैं क्या कलिनरी आर्ट के साथ। तो गोइंग बैक टू द चॉकबोर्ड अंडरस्टैंडिंग के क्या कर सकते हैं, तो हमने सोचा कि हमारा कोर एसेंस क्या है एज अ ब्रांड, क्या हमारा प्रोसेसेस क्या है। तो उसमें एक प्रोसेस निकला कि अचार का सबसे मेन प्रोसेस है फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन अगर कुछ मैंगोज़, लेमन्स और मसालों के साथ घुलते हैं और फर्मेंट होते हैं तो अचार बनते हैं, वैसे ही हमने सोचा कि एक थॉट जब इमोशन से घुलती है तो मैनिफेस्ट होती है फर्मेंट होके एक गज़ल, पोएट्री या नज़्म के फॉर्मेट में। यही थॉट को लेके दोनों को मैरी करके हमने एक फूड एंड गज़ल शो सोचा जिसे हमने फर्मेंटेशन नाम दिया। दो इट्स नॉट अ वेरी म्यूज़िक फ्रेंडली टर्मिनोलॉजी, हम हमेशा म्यूज़िक शोज़ देखते हैं तो ये नाम से नहीं देखा करते, पर फर्मेंटेशन है
तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए आज हम सभी है यहाँ पर। गूजबम्स हम इसे नाम दे रहे हैं ऐसे इस इवेंट को एज गूजबम्स मोमेंट फेस्टिवल। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो मोमेंट्स हम लेते हैं इसे फेस्टिवल फॉर्मेट में कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है, उसकी ये सबसे पहली एक एग्जिबिट कहूँगा ऐसा है। और इसके आगे अलग अलग, जैसे हम सनडाउनर म्यूज़िक सुनते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉरेन में बहुत चलता है, यहाँ भी चलता है, मुझे भी पसंद है। पर ये सनडाउनर हम वेस्टर्न तो सुनते हैं, पर उसमें ठुमरी क्यों नहीं आ सकता? ठुमरी, दादरा, कजरा, मुझे नहीं पता आपने सुना है, पर दीज आर वेरी फैंटेस्टिक फोक म्यूज़िक सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, ऑफ दिस नेशन। ये अगर मैं अलग फॉर्मेट में इसे सनडाउनर बना के पेश कर सकता हूँ तो डेफिनेटली, एंड ऑल आवर फूड कैन कॉम्प्लीमेंट विद इट एट दैट टाइम। सो ये कॉन्सेप्ट्स पे हम ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं, ऐसे इवेंट्स करना चाहते हैं जहाँ पर यंगस्टर्स से लेके जो एज ग्रुप है, जो पूरा स्पेक्ट्रम है, उसे कैसे कैप्टिवेट कर सकते हैं, वो ट्राई करेगा गूज़बम्स फॉर श्योर। जैसे आपने कहा कि यंगस्टर्स को भी आप लोग टारगेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारे यंगस्टर्स भी आ रहे हैं और हर एज ग्रुप के लोग यहाँ पर गज़ल सुनने के लिए आ रहे हैं। जो है गज़ल को लोग मतलब इतना प्रिफर नहीं कर रहे, तो उस बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से जो ये शो का जो थॉट है फर्मेंटेशन, जिस दिन दिमाग में फर्मेंटेशन आएगा ना, वो टाइम पे आप गज़ल की ओर जाओगे जाओगे और जाओगे। ये शायद गज़ल हमारी हिंदी नहीं होगी, शायद वेस्टर्न हो सकती है या कोई और लैंग्वेज की हो सकती है, पर गज़ल लाइफ में आएगी वो टाइम पे, वो श्योर है, क्योंकि फर्मेंट हो ही रहे हो आप इन सर्टन वे, सो द थॉट्स फर्मेंट टू दैट। तो गज़ल का ट्रेंड चलो हिंदी वाली गज़लों का नहीं होगा या कम होता होगा, बट आई डोंट थिंक सो। मैं खुद एक फ्लूट बजाता हूँ, प्रोफेशनली नहीं, सीखता हूँ, 7 साल से सीख रहा हूँ यहाँ, तो आज बहुत ज़बरदस्त कलाकार है यहाँ पर स्टेज पर, उनके सामने बोल भी नहीं सकता हूँ, पर जैसे जैसे सीखते गया, आई हैव बीन सीइंग सो मेनी यंगस्टर्स हु आर कमिंग एंड लर्निंग दिस फ्लूट, तबला, सारंगी, हारमोनियम। आज हमारे चीफ गेस्ट अश्विन सर है, अश्विन श्रीनिवासन जी, हु इज़ अ फैंटेस्टिक फ्लूटिस्ट ऑफ दिस कंट्री, हु मेक्स फ्यूजन म्यूजिक टू इंडियन क्लासिकल, एक राग से लेके मैनिफेस्टेशन हॉलीवुड तक जाता है उनका स्पेक्ट्रम, सोचो इतना बड़ा स्पेक्ट्रम है। सो 100% यंगस्टर्स आएंगे, हमारा म्यूजिक बहुत माइंड ब्लोइंग है और हमारा खाना भी बहुत माइंड ब्लोइंग है, तो वील ट्राई एंड मैरी दैट एज मच एज वी कैन, ऐसा है। थोड़े बैठक फॉर्मेट में होंगे शोज़ फॉर श्योर, उतना एटलीस्ट हमने सोचा है कि थोड़े बैठक फॉर्मेट में होंगे, जो हमारे पुराने ज़माने में बैठक हुआ करते थे उसे कंटेम्प्रराइज करेंगे फॉर श्योर, उसे कैसे न्यू एज। देखो, बैठक का मतलब ये है कि जैसे ही हम कोई लाउंज में बैठते हैं वो बैठक है, हमने सिर्फ उसे लाउंज कह दिया है, फॉर्मेट बैठक है फॉर श्योर, क्योंकि वैसे ही टाइप की बैठने का है, इनफॉर्मल वेज ऑफ म्यूज़िक है, थोड़ी फरमाइशें होती है, तो वो बैठक ही है। हम उसी बैठक को कैसे न्यू एज में बता सकते हैं, ये हमारा डेफिनेटली फ्यूचर फर्दर प्लान्स है। जैसे मैंने सनडाउनर का एक प्रोजेक्ट बताया, दादरा थुमरी को अलग रीत से कैसे प्रेजेंट, और जब माइंड ब्लोइंग म्यूजिक ऐसा है, तो वो मैनिफेस्ट होगा तो मज़ा आएगा, ऐसा है इसीलिए।